पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा बुधवार को नगर परिषद करनौद पहुंची, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सरकार की योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण किए गए, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को जानकारी दी गई। इस दौरान नगर परिषद की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत भी किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष परशुराम पाटीदार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। इस दौरान अन्य विभाग द्वारा भी कार्यक्रम स्तर पर स्टॉल लगाए गए और अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित था, उसमें हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री मुरली बावरा जी हम सबके बीच उपस्थित हुए थे, और इस कार्यक्रम में लगभग 500 के लगभग हितग्राही उपस्थित हुए थे, और उन समस्त हितग्राहियों को अलग अलग योजनाओं में, जैसे स्वनिधि योजना है, अपने अंत्योदय दीनदयाल योजना है, ऐसी जो विभिन्न सरकार की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से लगभग 2 करोड़ के ऋण वितरण के प्रमाण पत्र यहाँ वितरित किए गए। यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के जो मुखिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस देश को एक विकसित और एक समृद्ध भारत बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उस कड़ी में हमारी भी अपेक्षा यही है कि उस कड़ी में जनप्रतिनिधि समस्त और जो नागरिक बंधु है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और इस देश को विकसित और समृद्ध भारत बनाने में सहयोग प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।